बिलासपुर से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने के अलावा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात शुरू होना शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी पूर्व जिला कार्यकारिणी सदस्य नीलम चंदेल ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि जब से कांग्रेस की कमान कुलदीप सिंह राठौर को दी गई है उस दौरान से लेकर आज तक हिमाचल में कांग्रेस पार्टी बहुत ही कमजोर हुई है। बिलासपुर से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने के अलावा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बगावती स्वर उठे हैं। कांग्रेस पार्टी पूर्व जिला कार्यकारिणी सदस्य नीलम चंदेल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जब से कांग्रेसी नेता कुलदीप सिंह राठौर को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप रखी है उस दौरान से लेकर आज तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर हुई है। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कुलदीप राठौर कांग्रेस पार्टी को बुलंदियों पर पहुंचाने में पूर्ण रूप से विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि छोटे से जिला बिलासपुर से जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जेपी नड्डा को आसीन कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी हाईकमान कांग्रेस के अनुभवी वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बना सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में सबसे अनुभवी नेता रामलाल ठाकुर हैं जो हिमाचल प्रदेश में पुनः कांग्रेस के बिखरे कुनबे को एक माला में संजोकर आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की विजय पताका लहरा सकते हैं। नीलम चंदेल ने कांग्रेस पार्टी के हाईकमान से आग्रह किया है कि पार्टी हित में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारी कांग्रेस पार्टी की जो मुखिया हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी व राहुल गांधी जी, मैं आज बिलासपुर जिला के एक पूर्व कांग्रेस कमेटी सदस्य होने के नाते एक अपील करना चाहूंगा कि आज एक बिलासपुर एक छोटा सा जिला है जिस जिले के अंदर भाजपा ने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा को यहां दिया है, तो मैं अगर भाजपा के साथ कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आना है तो यहां पे जो आज हिमाचल प्रदेश के अंदर राठौर जी जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बिलासपुर के अंदर हमारे एक भिन्न भिन्न पदों पे मंत्री रह चुके श्री रामलाल ठाकुर जी जो कि एक अनुभवी हैं, और आज जरूरत है कांग्रेस पार्टी को कि एक बिलासपुर जिला से एक ऐसे व्यक्ति को दायित्व दिया जाए जो कि कांग्रेस पार्टी के ये जो हमारा कुनबा बिखरा हुआ है उस कुनबे को इकट्ठा करके आने वाले विधानसभा के अंदर हमारे यहाँ पे सरकार अगर बननी है तो सिर्फ केवल मात्र अगर भाजपा से लड़ाई लड़नी सीधे तौर पे लड़ाई लड़नी है तो आज जरूरत है कि श्री रामलाल ठाकुर जी को बिलासपुर जिला एक छोटा सा जिला है और हमें खुशी भी है कि भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष जो आज दिया है, तो उस अध्यक्ष के मैं ये कहूँगा कि माननीय श्री सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से कि वो जल्दी से जल्दी इस मामले पे विचार करें और श्री रामलाल ठाकुर जी को अगर अध्यक्ष पद पे नियुक्त किया जाता है तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से यहाँ पे कांग्रेस पार्टी उभरेगी।